हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। KVS रिफाइनरी नगर से सभी पोस्ट में शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें बीएड वाले, BTC, NTT, DECED वाले, DLED वाले और साथ में जो है BSTC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की यदि हम बात करें तो बाल वाटिका टीचर्स में वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स में वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी है और साथ में जो है PGT के लिए भी वैकेंसी है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट में हैं। उम्र यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 65 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस समझिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करेंगे और सारा प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आप देख लें, हर पोस्ट में PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर्स की, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक यानी गेम्स टीचर की, आर्ट टीचर की, योग टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनल काउंसलर की, बाल वाटिका टीचर्स की और स्पेशल एजुकेटर की है। PGT में अलग अलग सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और राजनीतिक विज्ञान, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी कैंडिडेट के लिए है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ चुके हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में। कई बार कैंडिडेट हिंदी और संस्कृत के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं बट सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है। यहाँ पर जो है PGT या TGT दोनों में ही हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ठीक है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में संस्कृत से। तो वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है, केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा से वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है फिलहाल, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी जल्द ही जो है वो जारी होने वाली है। नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है 12 अगस्त 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को पहुँचना है। 8 बजे जो है आपको स्कूल में पहुँचना होगा। PGT कंप्यूटर साइंस प्राइमरी टीचर, संगीत नृत्य प्रशिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बाल वाटिका टीचर, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए। ठीक है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट डे जो है 13 अगस्त मंगलवार को 8 बजे आपको पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और 10 बजे आपका इंटरव्यू होगा PGT और TGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से ही जो है 6 अगस्त से यानी आवेदन स्टार्ट है 6 अगस्त 2024 से लेकर 10 अगस्त 2024 5 बजे तक गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो ये लिंक है, इस पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर दें। अभ्यर्थी को अलग अलग पद के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म और आवेदन पत्र भरना होगा। तो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ही करा दें जल्दी से गूगल फॉर्म लिंक पर जो है क्लिक करके। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, सेवा शर्तें, आवेदन पत्र प्रारूप आदि विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर ले, mrpmathura.kvs.ac.in। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा हो सकती है, फिलहाल इंटरव्यू पर ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आवेदक विद्यालय की वेबसाइट से दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे स्वहस्तलिखित पूर्ण भरकर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे, लेकिन अगर है तो बिल्कुल आप जो है इसमें उसकी कॉपी लगा दें और जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनकी फोटोकॉपी, साथ में फोटो आपको अटेस्ट करना है। साक्षात्कार के दिन समय पर विद्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत हो। पहले तो गूगल फॉर्म ही जो है आप भर दें, जो कि 10 अगस्त 2024 तक आप भर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 65 वर्ष है। अभ्यर्थी से हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टीचिंग या कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो आवश्यक है। तो थोड़ा बहुत जो है कंप्यूटर आपको चलाना आता ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप हों सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और बीएड।
प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग जो है केवीएस में, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों रहता है। स्पेशल बीएड जो है पीजीटी के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री मांगते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक वाले, एमएससी बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में। इसमें जो है बीएड नहीं चाहिए, केंद्रीय विद्यालय में बीएड नहीं मांगते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और बीएड, ये दोनों ही चाहिए। साथ में जो है सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट। यहाँ पर आपके राज्य का टेट नहीं चलेगा, आपका सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पीआरटी के लिए 12th के साथ में आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, जिस भी नाम से जाना जाता है आपके राज्य में, बीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले, बीएसटीसी वाले। पालवाटिका टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन 12th, डीईसीएड या बीएड नर्सरी में हैं आप, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या डिप्लोमा नर्सरी टीचर एजुकेशन में है तो बिल्कुल अप्लाई करें। सीटेट पेपर 1 भी जो है इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट जो है म्यूजिक कोच की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, आर्ट कोच में भी जो है ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा। योगा टीचर के लिए जो है इसमें ग्रेजुएशन योगा में और आपका 1 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशन काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में, डिप्लोमा काउंसलिंग के साथ में। स्पेशल एजुकेटर में प्री स्कूल और नर्सरी प्ले स्कूल के लिए यहाँ पर 10th 12th वाले साथ में जो है डिप्लोमा, ठीक है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 12th के साथ में डीएड स्पेशल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएट के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या आपने बीएड सामान्य किया है तो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में ज़रूरी है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है नोटिफिकेशन, पूरी पीडीएफ फाइल 8 पेजेस की है, मैंने आप लोगों को सही तरीके से बता दिया है, और गूगल फॉर्म आपको बता ही दिया है कि इस पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लें। ये जो है स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएं, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए mrpmathura.kvs.ac.in। जैसे ही गूगल पर आप सर्च करते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पर नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म आपको 5th नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसी से संबंधित है, 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक गूगल फॉर्म है। डिटेल में एडवर्टीजमेंट है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट नोटिस है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन परफॉर्मा है। डायरेक्ट जो है यहाँ पर आने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।